पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आप सभी लोगों को, 10th पास कर ली है आपने सक्सेसफुली, और मेजर पढ़ा होता है लाइफ का 10th के बोर्ड्स को क्लियर करना। फर्स्ट टाइम आप एक्चुअली कॉम्पिटिशन की फील आपको आती है 10th के बोर्ड्स में, जब आप लोग बैठते हैं और इतने सारे बच्चे इंडिया के दे रहे होते हैं, और उसमें आप अगर अच्छा करें तो बेटा अच्छा तो लगता ही है, और आप ने मेहनत भी करी होगी। अब जिन लोगों ने मेहनत देखो कम करी थी उनके कम आए होंगे मार्क्स, तो बोर्ड्स में तो सिंपल सा खेल है यार। जिनके 60s, कुछ लोग 60s वाले लिख रहे हैं, तो भाई अब तुमने मेहनत कम करी थी तो इसलिए 60s में रह गए। काफी लोग 90s में है यार, मैं तो देख के हैरान हूँ, आजकल मार्क्स काफी बढ़िया बच्चे पढ़ रहे हैं। देखो मेहनत करते हो तो मार्क्स तो आएंगे, वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया। तो अब बेटा एक चीज आप लोगों को मैं बताऊंगा, 10th के बोर्ड्स तक मुझे पता है बहुत एक्साइटमेंट होता है, आपने 10th की इतनी बढ़िया प्रिपरेशन करी होती है, रिजल्ट देखने का एक्साइटमेंट होता है, बट इस ये जो रिजल्ट आया ना, इससे बहुत ज्यादा ना तो खुश होइए और ना हताश होइए, ना तो परेशान होइए कि भाई यार ये हमारा तो बड़ा बेकार आया। अगर आपका 75-80 से ऊपर है, मेरे हिसाब से तो आप सभी लोग बराबर हैं। सर आप ये क्या कह रहे हो, हमारे तो 95-96 आए हैं, हमारी तो आपने उम्मीदें ही तोड़ दी। नहीं, मेरा मतलब ये है बेटा कहने का कि बोर्ड्स में अच्छा करना एक बढ़िया अच्छी चीज है, आपने स्टार्टिंग अच्छी करी है, बट अब उसकी वजह से ये नहीं कि आप बैठे हुए उसके ऊपर खुश हो रहे हो और अपने आप को कुछ अलग ही 30 मार्क का समझने लग गए, हमने तो बोर्ड्स बहुत अच्छे कर लिए। उससे कुछ नहीं होने वाला, अब बैठे नहीं रह सकते हम किसी भी चीज को अचीव करके, अगर बैठे रहेंगे तो आगे निकल जाएंगे बाकी लोग। तो रिजल्ट आया अगर बहुत अच्छा आया आपका, वेरी गुड, उसमें अपनी पीठ पे शाबाशी दो और अब आगे बढ़ जाओ। बस एक बार कर ली भूल जाओ, रिश्तेदार होते हैं, घर वाले होते हैं, बड़ा बोस्ट करते हैं, अरे मेरे बेटे के तो इतने आए हैं उतने आए हैं, तो तुम्हें उसमें अपने सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है उन मार्क्स को, राइट। सर आपने तो हमारी सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। नहीं, मैं तुम्हें सही चीज गाइड कर रहा हूँ, देखो कि भाई अच्छी बात है, मैं आपको कहीं से भी डिमीन नहीं कर रहा कि आप लोग अगर जो भी मार्क्स लाए बोर्ड में बहुत अच्छी बात है, कांग्रेट्स भी मैंने बोला आप सबको, बट उस चीज को लेकर बैठे मत रहना कि अबे हम तो बोर्ड्स में बहुत बढ़िया मार्क्स आ गए, अब तो हम तो छोड़ देंगे, हम तो पता नहीं और बहुत बड़े टॉपर बन गए। नहीं, मैंने इनफैक्ट शायद तुम्हें ये बात बताई थी या नहीं बताई थी, हम लोग जब कोटा में थे, जब मैं कोटा में था कोचिंग ले रहा था, तो मैं बताई थी ना स्टोरी की मैं भागने की पूरी कोशिश में था। उस टाइम जो CBSE का टॉपर था, CBSE का टॉपर समझ रहे हो ना, ओवरऑल CBSE बोर्ड का 10th में जो टॉपर था रैंक 1, जिसके मैक्सिमम परसेंटेज थे, कितने परसेंट थे मुझे याद नहीं है, बट वो टॉपर भी हमारे साथ कोचिंग में था, ठीक है, टॉपर भी कोचिंग में था। और टॉपर जो था, तुम्हें लग रहा होगा कि अरे वो तो उसको मतलब एज अ सेलिब्रिटी देखा जाता था, सब बच्चे उसके पास आते थे, अरे ये CBSE टॉपर है, ये CBSE टॉपर है, बट वो 2 महीने के बाद सब छोड़ के बेटा वापस चले गया, उससे मैनेज नहीं हो पाया, यही की तैयारी उससे मैनेज नहीं हो पाई। तो सर आप क्या हमें डरा रहे हैं, डरा नहीं रहा हूं मैं तुम्हें, बस एक ये चीज बता रहा हूं कि बेटा अगर आप बस ये सोच के बैठ जाएंगे हमने तो JEE टॉप कर लिया हम बहुत बड़े आदमी बन गए, सॉरी JEE कह रहा हूं बोर्ड टॉप कर लिया तो हम बहुत बड़ी चीज बन गए, तो बेटा आगे कुछ नहीं फायदा होने वाला उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, आपको मेहनत करनी पड़ेगी लाइफ में, ठीक है। कई लोग ये बोलते हैं ना 10th के बोर्ड्स बस बढ़िया कर लो फिर लाइफ सेट है, नहीं, लाइफ सेट कभी नहीं होती, आपको कंटिन्यूअसली बेटा मेहनत करते रहने पड़ता है, राइट।